गाइस, सो आज मैं कीर्ति नगर जा रहा हूँ। देखते हैं लॉकडाउन के बाद कीर्ति नगर मार्केट के क्या हाल चाल है। चलिए बने रहिए इस वीडियो पे और देखते रहिए। मैं कीर्ति नगर जा रहा हूँ, मुझे एक फर्नीचर की रिक्वायरमेंट है तो मैं वही देखने जा रहा हूँ। तो मैंने रूट महिपालपुर बाईपास लिया है। सो आप देख सकते हैं इस अंडरपास के ऊपर NH 8 है और मैं नीचे से जा रहा हूँ। लेफ्ट में जाऊँगा तो एरो सिटी चला जाऊँगा, राइट में जा रहा हूँ तो मैं NH 8 वाली रोड में चला जाऊँगा। तो आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी, नेशनल हाईवे 8 हम बोलते हैं और हर जगह लिखा हुआ है लेकिन ऑफिशियली ये नेशनल हाईवे 48 है। तो आप देख सकते हैं मैं नेशनल हाईवे 48 में आ गया हूँ। रॉन्ग कट ले लिया है, ये मैंने करोलबाग और इंडिया गेट वाला ले लिया है रास्ता। एक्चुअली ये धौला कुआ है, यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन है तो मैं आगे जाके यू टर्न लेके नारायणा वाला कट लेके सीधा जाऊँगा कीर्ति नगर। आप देख सकते हैं मैंने राइट टर्न लिया और राइट टर्न लेते ही कीर्ति नगर शुरू हो गया है। हाँ जी, तो सीन ये है कि आज मंडे है और कीर्ति नगर शायद बंद रहता है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी शॉप्स बंद हैं। सो मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ कि ये मंडे की वजह से बंद है या लॉकडाउन की वजह से। मैंने यहाँ पता करा कि कीर्ति नगर मंडे की वजह से बंद है या लॉकडाउन की, तो कुछ लोग कह रहे हैं मंडे की वजह से बंद है और कुछ लोग कह रहे हैं लॉकडाउन की वजह से बंद है। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए मंडे कीर्ति नगर बंद रहता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं छोटे छोटे गलियों में कारपेंटर की शॉप्स तो खुली हैं लेकिन बड़े बड़े शोरूम्स बने हैं बंद हैं। तो अब हम वापस जा रहे हैं क्योंकि हमारा पर्पस फुलफिल तो हुआ नहीं, लेकिन क्या करें, ब्लॉग तो बनाना ही था। चलिए अब मैं अपनी वीडियो यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। बाय फॉर नाउ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।